तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी शोरा में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं जॉन टकर मस्ट डाई मूवी के बारे में। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है और इसी की स्टोरी कुछ मिलती हुई है लेडीज वर्सेस रिक्की बेल के, जो अपनी बॉलीवुड की मूवी है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसकी IMDb रेटिंग 5.6/10 है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है, हमें जॉन टकर को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही हैंडसम बंदा है। जॉन सभी लड़कियों के सपनों का राजकुमार होता है। लड़कियां जॉन को देखकर काम वासना की प्यासी हो जाती हैं। सभी उसके साथ मजे करना चाहती हैं, उसके साथ सेक्स करना चाहती हैं। जॉन भी अपने हुस्न का पूरा फायदा उठाता है। वो एक साथ तीन लड़कियों को डेट कर रहा होता है और तीनों के साथ गपा गप करता है। तीनों को ही लगता है कि वही सिर्फ जॉन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जॉन तीनों को ही धोखा दे रहा होता है। फिर एंट्री होती है केट की, जो अपनी सिंगल मदर लॉरी के साथ रहती है। लॉरी भी काफ़ी ठरकी औरत है, वो बहुत बंदों के साथ मजे कर चुकी है। और केट और उसकी माँ ओरिगन में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर जहाँ पर केट एक वेट्रेस का काम करने लगती है। एक दिन केट की मुलाकात जॉन टकर से होती है। केट की कलीग उसे बताती है कि जॉन यहाँ का फेमस बंदा है। केट देखती है कि जॉन तीन लड़कियों से मिलता है और तीनों का ही चूतिया काट रहा होता है। वो तीनों लड़कियाँ कैरी, ईथर और बेथ एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं, जिसमें जॉन भी पढ़ता है। जॉन ने सभी लड़कियों को बोल रखा होता है कि उसके डैड ने उसे किसी भी लड़की से मिलने को मना कर रखा है और इस बार बास्केटबॉल सीजन तक उसे लड़कियों से दूर रहने को कहा गया है। तो कोई भी इस बात को लीक ना करे कि वो एक रिलेशनशिप में है। उसकी ये बात लीक ना हो, इसी वजह से तीनों लड़कियां शांत रहती हैं। एक दिन केट की मुलाकात कैरी, ईथर और बेथ से बास्केटबॉल मैच के दौरान होती है, जहां पर कैरी के मुंह से निकल जाता है कि जॉन टकर उसका बॉयफ्रेंड है। इसी पर तीनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई को रोकने के लिए केट को बीच में आना पड़ता है। फिर तीनों समझ जाती हैं कि जॉन ने तीनों का चूतिया काटा है। फिर तीनों केट को अपना हेड बनाती हैं और जॉन से बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगती हैं। और प्लान बनाती हैं कि केट हॉट और सेक्सी तो है ही, तो केट पहले जॉन को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, फिर उसका चूतिया काट देगी। जब उसका दिल टूटेगा तब उसे पता चलेगा कि हम तीनों लड़कियों को कितना दर्द हुआ है। वो लड़कियां जॉन को नीचा दिखाने के लिए अफवाह फैला देती हैं एक कैंपेन में कि जॉन का रॉकेट अब आग नहीं छोड़ता, जॉन के रॉकेट में अब दम नहीं है, और उसके प्रोटीन में एस्ट्रोजन मिक्स कर देती हैं। लेकिन इन सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, जॉन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जॉन तीनों लड़कियों से ब्रेकअप कर लेता है। फिर तीनों केट को भेजती हैं बदला लेने के लिए। वो सब जॉन के बारे में पूरी जानकारी केट को दे देती हैं और केट को चीयर लीडिंग एक स्क्वाड में ऐड कर लेती हैं। जब जॉन की नज़र केट पर पड़ती है तो वो उस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि अब तो इसी को बजाना है। फिर केट से फ्लर्ट करना चालू कर देता है, लेकिन केट उसे भाव नहीं देती है और बहुत ही चालाकी से उसे नंबर दे देती है। फिर चारों कमरे में बैठकर जॉन के कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जॉन का कॉल आता है तो केट उससे बात करती है और उसे पहचानने से इनकार करती है। तब जॉन उसे सुबह की बात याद दिलाता है। तब केट कहती है, अच्छा अच्छा हाँ, वो जॉन टकर। फिर उनकी बातें होती हैं और उनकी मीटिंग फिक्स होती है। दोनों बीच पर मिलने जाते हैं। दोनों बीच पर बोनफायर के पास बैठकर बातें करते हैं। जब केट अपनी कार में अकेली होती है तब बेथ उसके पास आती है। जब केट उसे बताती है कि उसे किस करना नहीं आता है तो बेथ उसे कहती है कि लाओ मैं तुम्हें किस करना सिखाती हूँ। वो उसे किस करना सिखा रही होती है तभी जॉन आ जाता है। तो बेथ कार की बैक सीट में छिप जाती है। जब वो केट के घर के पास पहुँचते हैं तो बेथ मौका देखकर कार से निकलती है, लेकिन उसकी स्कर्ट कार में फंस जाती है। जॉन बेथ को ना देख पाए इसके लिए केट उसे किस करने लगती है और बेथ मौका देखकर निकल जाती है। फिर केट और जॉन एक बोट डेट पर जाते हैं, जहां पर दोनों का मूड बन जाता है और दोनों गपागप करते हैं। बेथ को पता चलता है कि केट जॉन से प्यार करने लगी है। इसको रोकने के लिए कैरी एक प्लान बनाती है। वो जॉन के लॉकर रूम के बाहर जाती है और उसकी बातें रिकॉर्ड करने लगती हैं, जहां पर जॉन अपने दोस्तों से कहता है कि जितने वो बास्केटबॉल में बास्केट नहीं करेगा उससे ज़्यादा बार तो वो केट के साथ गपागप करेगा। वो अब केट के साथ बहुत सारे मज़े लेने वाला है, कस के मज़े लेने वाला है वो। और ये रिकॉर्डिंग वो तीनों केट को सुनाते हैं, जिसे सुनकर केट गुस्सा हो जाती है और बदले की आग भड़क जाती है। केट
जॉन से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे अपने अंग प्रदर्शित करने लगती है। जॉन का मूड बन जाता है, उसके अंदर जुझराहट ही पैदा हो जाती है। तभी केट उसे कहती है कि तुम रेड कलर का थॉन्ग पहनकर मेरे होटल रूम में आ जाओ, फिर हम दोनों मजे करेंगे। जॉन तुरंत थॉन्ग पहनकर उसके होटल रूम में पहुंचता है, लेकिन वो रूम केट का नहीं होता है, वो किसी टीचर का होता है। टीचर उसे बहुत सारा उल्टा सीधा कहते हुए चिल्लाते हुए उसे थॉन्ग में ही बाहर घसीटते हुए लाती है, जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सभी जॉन का वीडियो बना लेते हैं और उसका बहुत मजाक बनता है। फिर केट जॉन को लॉकर रूम के बारे में बताती है और उसे बताती है कि उसने उसकी जो लॉकर रूम की सारी बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। फिर जॉन उसे माफ़ कर देता है और उसे प्रपोज करता है। केट भी मान जाती है और केट फिर उन तीनों लड़कियों से बोल देती है कि अब वो इसमें आगे कुछ नहीं करने वाली है। फिर आगे जॉन की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर केट कन्फेस करती है कि वो बदला लेने के लिए उन तीनों लड़कियों के साथ जुड़ी हुई थी और वो इसी के लिए जॉन के करीब आई थी। तब जॉन के गेस्ट उस पर गुस्सा होते हैं और उस पर पानी फेंकने लगते हैं। तभी तीनों लड़कियां भी स्टेज पर आती हैं और कन्फेस करती हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ, तो वो गेस्ट उन पर भी पानी फेंकने लगते हैं। धीरे धीरे पार्टी केक फाइट में बदल जाती है। अगले दिन जॉन और केट मिलते हैं, जहाँ पर जॉन केट से कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर केट की मुलाकात स्कॉट से होती है। स्कॉट जॉन का भाई होता है। वो स्कॉट से सॉरी बोलती है। फिर दोनों डेट करते हैं और फिर आगे साथ में ही रहने लगते हैं और खूब मजे करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी मूवी जॉन टकर मस्ट ड्राइव। तो आपको मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस, मूवी की अपडेट, मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।